वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। चुनावों में नेता बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी समर में उतरते हैं, लेकिन पिछले 5 साल की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाती और ना ही उन मुद्दों को उठाया जाता है। आज शहर से दूर गांव में सड़कों की क्या दशा है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में खराब सड़कों में चलना एक बहुत बड़ी मुसीबत और जोखिम भरा काम होता है। बात कर रहे हैं सिमरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत मनकहरी टोला तिलनी कुशहा रोड की, जो विगत कई वर्षों से खराब पड़ी है। ना तो प्रशासन का और ना ही सांसद और विधायक का इस पर ध्यान गया है। ग्रामवासियों को सड़क के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज ग्रामवासियों ने विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क का कार्य चालू नहीं हुआ तो ग्रामीण मनकहरी नदी में जल सत्याग्रह करने पर मजबूर होंगे। रीवा कॉलेज चौराहा पर NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। NSUI कमेटी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार बड़वानी में युवा छात्रों पर FIR हुई है, उसी के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग की जा रही है कि जल्द ही उन छात्रों पर लगे FIR को वापस लें, अन्यथा NSUI के द्वारा इस विरोध को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर किया जाएगा। आज हमारी NSUI की जिला कमेटी यहां पर शिवराज सिंह जी का पुतला दहन की है। बड़वानी में जिस प्रकार से युवा बेरोजगार छात्रों के ऊपर FIR हुई है, उसके विरोध में आज यहां पे हम लोग शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किए हैं एवं मांग करते हैं कि जल्द ही उन युवाओं के ऊपर से FIR हटाई जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह युवा विरोधी सरकार छात्रों की आवाज़ बुलंद ना हो, इसके लिए यह बराबर पुलिस को आगे कर रही है एवं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये छात्र अब जाग चुके हैं। यह सरकार पुलिस के रोकने पर नहीं रुकेगी। मंजुल त्रिपाठी, NSUI जिला अध्यक्ष। रीवा में बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता दिखाते हुए व उनकी रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ कंट्रोल रूम में रीवा में क्राइम मीटिंग की और जिले में बढ़ते अपराधों को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कड़ा रुख दिखाते हुए यह बताया कि अब अपराधियों की खैर नहीं, जिले में क्राइम को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए और सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी। मध्य प्रदेश में डीजल के शतक के साथ रीवा जिले के सुहागी में भी डीजल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता रमाशंकर व अन्य कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप में पहुंचकर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो पर तिलक लगाया, माला चढ़ाकर डीजल के शतक पर उनको बधाई दी। मध्य प्रदेश में डीजल ने शतक पूरा कर लिया है। रीवा जिले के सुहागी के पेट्रोल पंप में डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 97 रुपए 40 पैसा तो डीजल 90 रुपए 99 पैसे के दाम पर बिक रहा है। दामों में इतना बड़ा अंतर होने के कारण सीमावर्ती मध्य प्रदेश में कोई पेट्रोल डीजल नहीं भरा रहा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकार कहती है कि डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों 4 राज्यों के चुनाव हुए, तब 64 दिनों तक डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। 2 मई को रिजल्ट आया, 4 मई से आज तक पेट्रोल लगभग 7 रुपए 60 पैसे वहीं डीजल 7 रुपए 85 पैसे तक बढ़ गया है। मई माह में 16 बार वहीं जून माह में 14 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में इजाफा हुआ है। सरकार ने सारी कसर 64 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाने पर मई जून में इकट्ठा निकाल ली। यहां पर गौर करने वाली बात है कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता है और टैक्स और तमाम चीजें जोड़कर आम आदमी को यह 100 रुपए के ऊपर पड़ता है। प्रदेश सरकार हीरो के लिए बक्सवाहा के जंगल को काटने की योजना बना रही है, लेकिन इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है। जंगल और प्रकृति प्रेमियों के द्वारा बक्सवाहा जंगल बचाने का आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आज संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के नेता भी पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एवं जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल को बचाने पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं। वहीं छतरपुर गांधी प्रतिमा के सामने 26 जून से जंगल बचाओ आंदोलन के प्रमुख ईश्वर चंद्र त्रिपाठी आमरण अनशन पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के नेता रामजीत सिंह की अगुवाई में किसान नेता कुंवर सिंह, शिव सिंह, अभिषेक कुमार पटेल ने छतरपुर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया तथा बक्सवाहा जंगल का भ्रमण भी किया। रीवा से पहुंचे किसान नेताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर हीरो की लालच में पर्यावरण की हत्या किए जाने का आरोप
लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप से जहां प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा भयावह दृश्य देखने के बाद भी सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा अपराध करने जा रही है। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकहर में पारिवारिक कलह इस कदर बढ़ गया कि निर्दयी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या को अंजाम दे दिया। उसके बाद से क्षेत्र में मातम सा छा गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरमियानी रात मृतक बहादुर सिंह का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट करने के लिए उग्र हो गया। तब उसकी पत्नी लड़की गीता को लेकर एक कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसे मृतक बहादुर सिंह हथौड़े से तोड़ रहा था। तभी उसका बड़ा बेटा भाईलाल सिंह आया और पिता को मना किया, जिससे पिता ने लड़के की बात न सुनते हुए दोनों आपस में झगड़ने लगे और भाईलाल सिंह ने डंडे से पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। चितरंगी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। अधीक्षक पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश, थाना प्रभारी डीएन राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेते हुए जांच पंचनामा तैयार किया जा रहा है। शव प्रशिक्षण हेतु चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और प्रशिक्षण के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर चितरंगी थाना प्रभारी ने टीम गठित कर आरोपी को घेराबंदी करते हुए उसके घर के पीछे ही गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ जारी है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये घटना हुई है जो सुखर में, ये पारिवारिक विवाद है, गृह कलेश टाइप की घटना है, घर के घर में घटना हुई है। और जो इस घटना में मृत हुआ है बहादुर सिंह गौण, इसकी उम्र 45 साल है और ये किसी बात को लेकर पत्नी को मारपीट करना चाह रहा था या जो भी है। तो ये जो है पत्नी बचने के लिए कमरे में जाके अपनी लड़की से कमरे में जाके बंद कर लिया अंदर से दरवाज़ा, ठीक है। तो उसको मारने के लिए या बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से दरवाज़ा तोड़ रहा था। उसी समय उसका बड़ा लड़का भी भाईलाल गौण ग्राम भित्री में रहता है, लेकिन लकीली वो घर आया, उसने आलम देखा कि ये पिता जो है हथौड़ी से दरवाज़ा तोड़ रहा है। पूछा क्यों तोड़ रहे हो, कुछ नहीं बोला, इसको मारने के लिए आमादा हो गया, इससे बन गया, वो इससे झगड़ने लगा। तो फिर दोनों में हाथापाई हुई है और फिर इसने क्या हुआ कि इसको जो हथौड़ी मार रहा था वही हथौड़ी, इस लड़के ने जो है लाठी से उसको मारपीट कर दिया, तो उसमें चोट आ गई है आँख के पास और कनपट्टे से खून आलू का चोट है और फिर मौके पर ख़त्म हो गया। घर पर इसका जो है एक लड़का और था जो पुरैनिया बाजार में सामान लेने गया, जब ये रात में 10 बजे आया है तब देखा है इसने कि पिता मृत पड़ा है और माँ और बहन जो है अंदर जो है कमरे में बंद है। फिर इसने दरवाज़ा खुलवाया माँ का और माँ ने पूरा हालात बताया। तो ये घटना है, गृह कलेश की घटना है, अपराध पंजीबद्ध हो गया है और हमारे यहाँ से रिपोर्टिंग ऊपर चली गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सारी घटना से अवगत करा दिया है और उनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और जो साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ, उसमें हम लोगों ने टीम बना के उसकी घेराबंदी की है, आरोपी जो है पुलिस के कब्जे में आ गया है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां गरीबी लोगों को बर्बाद कर देती है, वहीं एक गरीब परिवार के दो चिरागों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम छाटा का है, जहां दो सगे नाबालिग भाइयों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। जानकारी लगते ही मौके पर बुढ़ार पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार अंतर्गत ग्राम छाटा में दो सगे भाइयों के मौत का मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय रवि सिंह व 10 वर्षीय दीपक सिंह की किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। बच्चों ने जहरीला पदार्थ कैसे खाया था, किसी ने इन्हें जहरीला पदार्थ खिलाया, इस पर पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सुखसेन। सुखसेन, ये दो बच्चों की जो मौत हुई है ये कैसे हुई है? सर खाना खाए चारों जन उसके बाद खाना खाए कि टीचर देखा करें जैसे 11 बजे तक देखा कर रहे हैं हमें, उसके बाद हम सो गए हैं। फिर 1 बजे से पेट के दर्द में है, अम्मा का नींद लग रही थी पेट में फिर का उल्टी चल गई, थोड़ी उल्टी करे ज़्यादा कर रही है। खाने में बच्चा रात में क्या खाया था? आलू की सब्जी रहा और रोटी रहा। ये क्या है, बच्चों की उम्र क्या है दोनों बच्चों की? किसका उम्र है? 10 साल का है, अच्छे से 14 साल। एक 10 साल एक 14 साल का। अच्छा।
अच्छा, इनका दोनों का क्या नाम है? रवि है, क्या नाम है, बड़े छोटा है जी, क्या नाम? क्या नाम है? दीपू सिंह। दीपू सिंह, एक का नाम दीपू सिंह और एक का रवि सिंह। रवि सिंह कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? छाटा नवल, छाटा नवलपुर, नवटोला। थाना कौन सा लगता है आपको? बुढ़ा लगता है। अभी आप लोग बच्चे को कहाँ लेकर आए हैं? ये पोस्टमार्टम के लिए, बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, पुलिस वाले इसमें अभी क्या क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले खड़े हैं। अच्छा, खड़े हैं, इसमें जांच के लिए आए हैं। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है थाने में? किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई शंका है आपको? आपको शंका नहीं है तो किसी को? किसी के ऊपर? क्या नाम बताए अपना? रवि सिंह। अपना क्या नाम बताए? सुखसेन सिंह। सुखसेन सिंह, चलिए। बच्चे के आप क्या लगते हैं? काका बाप। पिताजी हैं? काका बाप। काका चाचा, मतलब चाचा लगते हैं ना। चलिए, विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।